दिखाई हुई ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा संजय सरकार, अब मैं फटाफट आपका भी रुख कर लू, क्योंकि आपको मुझे लगता है बेहतर पता होगा, ममता बनर्जी कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ रही है या फिर नहीं लड़ रही है? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री के बहुत कमजोर दिल के आदमी है, कमजोर दिमाग के भी आदमी है, और बहुत घटियापन उसको सोचने। 294 सीट में सबको नॉमिनेशन दे चुके हैं, उम्मीदवार का लिस्ट भी हो चुके हैं, पर दूसरा तीसरा सीट से कैसे लड़ेंगे चुनाव? इतना घटिया सोचना नरेंद्र मोदी से ही हो सकता है? इतना घटिया पर उनको बात हो सकता है सर? नरेंद्र मोदी तो खुद दो जगह से चुनाव लड़ चुके हैं, 294 जगह से चुनाव लड़ना क्या घटिया बात होती है सर? नाम डिक्लेयर कर दिया है, आप अपनी बात रखिए, वो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी, पर इसमें घटिया क्या है सर? दो जगह से चुनाव अगर कोई लड़ रहा है उसको हम दिल के बात होता है, हाजीत से तो सोच सकते हैं, घटिया कहां से आ गया? खैर बोलिया, जुमलाबाजी और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इसको मालूम है, ये लोकतंत्र को भी खत्म कर चुके हैं। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो मेरे हिंदुस्तान में है उसको बैकबोन टूटे हुए हैं, अपाहिज है, और पिंजरे बंदी एक ये मालिक के तोता है। तो ये सब आदमी हम लोग कभी सोचता भी नहीं, घटना ये घटिया मालिक का तोता है, इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है, अपने हिसाब से इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के बारे में। हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये कारण है कि लोग पूरे बंगाल में हताशा हैं। आला कमेंट को संजय सरकार का दिया ममता जितना भरोसा था उससे भी ज्यादा भरोसा टूट जाता है। देखिए, घटियापन वो होता है, जानकारी नहीं है, इस प्रदेश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नारा गाली लगता है। राजनीति में हम लोग है, जब आप जाके मंच पे चुनावी बारी आती है तो आप राम भजन चंडी पाठ करती है, हम लोग सत्ता की घटिया ये है। छोड़ देना चाहिए ओम प्रकाश जी, अगर चंडी पाठ आपको घटिया लग रहा है तो फिर जय श्री राम क्या है? मुझे लगता है शब्द को आप दोनों ही छोड़ दें, संजय सरकार आप भी और ओम प्रकाश जी आप भी, तो ज्यादा बेहतर होगा, अपनी बात ठीक ढंग से भी रखी जा सकती है। आपने बताइए ओम प्रकाश जी, सुनिए आपने दूसरे गलत ऐसा, मैंने चंडी पाठ घटिया। संजय जी, संजय जी कह रहे हैं कि 294 सीटों के लिए नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि दीदी नंदीग्राम की सीट हार जाती है और वो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जीत जाती है तो कोई ना कोई सीट छोड़ेगा ना विधायक उनका, उनके लिए जीतने के लिए? ये तो नॉर्मल है, इसमें घटिया क्या है सर? दो जगह से चुनाव लड़ने में घटिया क्या है? ये तो वैधानिक चीजें हैं, इसको बात करने में क्या घटिया है? संजय जी, अगर नंदीग्राम हार जाती है, पूरा पश्चिम बंगाल जीत जाती है तो आपका कोई विधायक सरकार के लिए या दीदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी फिर? मतदान किया है। ऋषि जी आपके पास मैं लौटती हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दर्शकों को बता दें शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त है, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लेडी हिटलर कह दिया है। लोकसभा चुनाव में ममता ने गड़बड़ी करवाई थी, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता के मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं। ये बड़ा हमला शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के ऊपर, कहा क्या शुभेंदु अधिकारी ने, सुना भी देते हैं आपको। उसकी मुख से डेमोक्रेसी का बात, बंगाल का हर आदमी जानता है कैसे ममता बनर्जी और उसकी गुंडा इलेक्शन कराता है। मैं उसका अंदर में था। देखिए, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को एसडीओ को प्रेशर करके 2500 वोट से गांधी जीता। पार्लियामेंट इलेक्शन का सीट भी काउंटिंग में धांधली किया, मिडनाइट पुलिस देकर, मैं अंदर में था, बोल रहा हूँ सच बात, झाड़ग्राम और पुरुलिया जिला परिषद बीजेपी को मिला था। रात 2 बजे पूरा के पूरा हिसाब, जितना कमल छाप था बैलेट में सबको 2 फुल निशान में कन्वर्ट कर दिया। डेमोक्रेसी का बात 8 से 80
बंगाल का आदमी विश्वास नहीं करता। लेडी हिटलर। संजय सरकार सुवेंदु अधिकारी को सुन लिया होगा आपने, वो तो खुद ही ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं, आप आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं तो अंदर मौजूद था उस वक्त, मैंने खुद देखा है। पूरा बंगाल उसको गद्दार और मिर्जापुर कहता है, पूरा बंगाल। क्यों बोलिए तो उसको चेहरा जो दिखाई दे रहा है सुवेंदु का चेहरा, कितना उदास, संजय सरकार जी निराश, कितना हताश, कितना हताश, सब कुछ उसको चेहरा में। सर मेरे सवाल का यही जवाब है क्या? मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे? हार चुके हैं संजय जी, संजय जी, संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, संजय जी मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये शालिनी, मेरा सवाल आपसे ये है कि शुभेंदु अधिकारी तो ममता दीदी के बहुत करीबी थे, अब उनको लेडी हिटलर, ममता आंटी और इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है ममता दीदी को मीर जाफर गद्दार कहने की? अगर वो कहेंगी तो सुनेंगी, अब तो ममता दीदी को ममता आंटी कह रहे हैं वो, मेरे कल मेरे से बातचीत में उन्होंने कहा ये। देखिए सरफराज, सरफराज जब इंसान को दिमाग पगलापन हो जाता है, दिमाग का कमजोरी संतुलन हो जाता है, जब दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, जब जनता का तरफ से बुरे तरफ चप्पल और जूता खाने चालू हो जाता है, वो इंसान को दिमाग यही बात तो बीजेपी आपकी नेता के लिए कह रही है संजय भाई, यही बात तो आपके बीजेपी के नेता तमाम आपके लीडर के लिए कह रहे हैं। नहीं, दुशासन अगर कोई कह दे, संजय सरकार नियम एक रखिए, दुशासन अगर कोई कह दे तो भी दिमागी संतुलन फिर खराब हो चुका होगा ना।